होंडा कंपनी के कुछ मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में होंडा कंपनी की जो कम सीसी की मोटरसाइकिल आती है, जो कि ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी बेची जाते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, उसमें से जो होंडा CB125 आ रहा है, इसको अभी ग्लोबल मार्केट में रिवील किया गया है। इंडियन मार्केट में कब तक आएगी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या नए अपडेट किए गए, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, तो 2024 मॉडल होंडा CB125R में जो नए अपडेट किए गए, इसमें अब आपको नया कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये अब आपको चार कलर ऑप्शन के साथ मिल जाती है, जिसमें आपको ग्रे, ब्लू, व्हाइट और आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, और नई ग्राफिक्स इसमें दी गई है। हालांकि ग्राफिक्स ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, टैंक के ऊपर आपको बस कलर देखने को मिलेगा, सीट के नीचे थोड़ा सा कलर मिलेगा, बाकी जो पार्ट है वो यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ आपको मिलता है। और इसमें आपको अंडरबेली जॉ सिस्टम देखने को मिलता है, ये न्यू कैफे रेसर जो बाइक्स आती हैं उस लुक के साथ मिल जाती है। हालांकि इस तरीके की बाइक 125 सीसी सेगमेंट में इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, और वैसे तो देखा जाए तो इस समय 125 सीसी का काफी क्रेज है, तो इंडियन मार्केट में 125 सीसी में स्पोर्टी लुक वाले ज्यादा बाइक लोग खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में आप कमेंट करके बताइए ये मॉडल्स इंडियन मार्केट में लॉन्च होना चाहिए 125 सीसी में। फिलहाल अभी कंपनी ने कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज वगैरह नहीं दी है कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी नहीं लॉन्च होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इंडिया में होंडा के कुछ नए मोटरसाइकिल्स यहाँ पे लॉन्च नहीं हो रहे हैं, जो कि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। बाकी इस नए मॉडल में और भी क्या अपडेट हुए हैं, इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 5 इंच का दिया गया है। इसके डिस्प्ले की डिजाइन देख सकते हैं, पहले इसमें LCD डिस्प्ले आता था, लेकिन अब इसमें TFT डिस्प्ले दे दिया गया है, तो ये भी एक आपको नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे पहले जैसे, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें 125 सी सेगमेंट में डुअल चैनल का ABS मिल जाता है। हालांकि इंडियन मार्केट में सिंगल चैनल का ABS मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे डुअल चैनल का ABS 125 सीसी मिल जाता है, क्योंकि इसके फ्रंट में जो ब्रेकिंग सिस्टम है 296 mm का है और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, तो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें काफी बेहतर मिल जाता है। बाकी इसके फ्रंट में अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन भी दिया गया है, और जो फ्रंट का टायर है 110 सेक्शन का है और रियर में 150/60 का 17 इंच के यहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं, तो काफी चौड़े टायर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से 125 सीसी में ही काफी प्रीमियम लुक देती है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124.9 सीसी का लिक्विड कूल 4 वॉल्व DOSC सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि 14.9 PS का पावर और 11.6 NM का टॉर्क इन करती है। कहीं ना कहीं 125 सीसी में इतना प्रीमियम रखा गया है, इसको लिक्विड कूलिंग के साथ मिल जाती है, पावर इसमें आपको ज्यादा मिल जाता है, 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो दूसरे मोटरसाइकिल्स को फीचर्स और पावर के मामले में टक्कर जरूर देगी। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा अपडेट यहाँ पे नहीं किए गए। 6 स्पीड इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है, और वहीं इसकी जो सीट की हाइट 816 mm है, फ्यूल टैंक सीट 10.1 लीटर का है, और इसका जो माइलेज की अगर बात करें तो 45.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी देती है। तो यही सारे नए अपडेट इसमें किए गए हैं। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो UK में इसकी जो प्राइसिंग है वो 4,699 पाउंड है, तो इंडियन प्राइस के हिसाब से लगभग 5 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग चली जाती है। तो ऐसे में 125 सीसी में अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो इतने प्राइस में लॉन्च नहीं होगी, लेकिन इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 125 सीसी में सबसे ज़्यादा महंगे प्राइस में ही लॉन्च हो सकती है। आपके हिसाब से इंडियन मार्केट में लॉन्च होना चाहिए नहीं लॉन्च होना चाहिए, किस प्राइस में लॉन्च होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।